हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वार्किटेक न्यूज। स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। आज मैं करूंगा कंप्लीट कंपैरिजन रेडमी नोट 7 प्रो का ओप्पो K1 से, और आपको बताऊंगा इन दोनों में से कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। तो हमेशा की तरह मैंने 5 फोन पे कंपेरिजन किया है, बिल्ड क्वालिटी, स्क्रीन, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी, और जो एक्स्ट्रा फीचर है मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताता रहूंगा। तो सबसे पहले बात करूं अगर बिल्ड क्वालिटी की, तो ओप्पो K1 में आपको टोटली प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। ग्रेडियंट लुक है, ड्यूल टोन कलर है, तो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन जब जैसे आप इसको हाथ में लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा यार ये प्लास्टिक फोन है। तो इसके साथ आपको लाजमी कवर लगा के रखना पड़ेगा, वरना स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेडमी नोट 7 प्रो की, तो वहां ऐसा कोई इश्यू नहीं है। वहां आपको फ्रंट एंड बैक गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, और जो फ्रेम है वो है प्लास्टिक का। इसका मतलब ये है कि आपको एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिलती है। अगर आप इस फोन को बगैर कवर के भी यूज करोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, स्क्रैचेस इतनी जल्दी इस फोन में नहीं पड़ेंगे। अब मैं बात करूँ दोनों की स्क्रीन की, तो रेडमी नोट 7 प्रो में आपको एक IPS LCD वाला पैनल मिलता है, फुल HD प्लस वाला, और यहाँ पर आपको जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी अच्छा मिलता है। ऊपर की तरफ यू नॉच मिलती है, और ऑल इन ऑल देखने में डिस्प्ले जो काफी अच्छा है, बेजल्स बहुत कम है, और यहाँ पर आपको जो है व्यू एंगल काफी अच्छे मिलते हैं। आप डायरेक्ट सनलाइट में भी इसको आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ ओप्पो K1 की, तो वहां पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस वाला, और यहाँ पर आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पर भी कमाल है। तो ऑल इन ऑल जो ओप्पो K1 का डिस्प्ले है वो तो बहुत ही आला है, क्योंकि सुपर एमोलेड होने की वजह से जो कलर्स हैं वो पंची हो के आते हैं, जो बहुत ज्यादा आई कैचिंग है। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले ओप्पो K1 इज अ क्लियरली विनर, बहुत ही आला डिस्प्ले है ओप्पो का। अब मैं बात करूँ दोनों की परफॉर्मेंस की, तो ओप्पो K1 में आपको स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर मिलता है। ये वही प्रोसेसर है जो कि पिछले जो प्रीवियस ईयर था उसका जो मिड रेंज का किंग प्रोसेसर था ये। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, आपको किसी भी कोई भी ऐप चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इन दी एंड है एक साथ पुराना प्रोसेसर, तो किसी भी गेम को चला लेगा आपको जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेडमी नोट 7 प्रो की, तो उसमें एक न्यू प्रोसेसर आता है, स्नैपड्रैगन का 675 का प्रोसेसर, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही औसम है। इसका जो एंटूटू स्कोर है वो है 1,80,000। ये प्रोसेसर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्नैपी है, आप कोई भी गेम हाई से हाई सेटिंग पे भी आराम से चला देगा, आपको कोई लैग देखने नहीं मिलेगा, डे टू डे यूज में बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस रेडमी नोट 7 प्रो इज अ क्लियरली विनर। अब मैं बात करूँ दोनों के कैमरा की, तो ओप्पो K1 में आपको 16+2 MP का मेन कैमरा मिलता है, और जो मेन कैमरे का अपर्चर है वो है f1.8। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक अच्छा कैमरा मिलता है, लो लाइट में जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है, और जो सेकेंडरी कैमरा 2 MP का वो सिर्फ डेप्थ सेंसिंग के लिए, तो उससे आप कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। लेकिन मेन कैमरे की जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, काफी ज्यादा डिटेल इमेजेस निकल के आती है निकल के। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेडमी नोट 7 प्रो की, तो वहां पर आपको 48 MP का क्रेजी कैमरा मिलता है, और ये असल 48 MP है। यहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपको वीवो 15 प्रो में और रेडमी नोट 7 में आपको जो कैमरा है 48 MP सिर्फ देखने को है, असल में वो 12 MP है। लेकिन सिर्फ प्रो मोड में आपको 48 MP का ऑप्शन मिलता है, वो भी पिक्सल फाड़ देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये ओरिजिनल 48 MP का कैमरा है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिटेल पिक्चर निकालता है। जो अपर्चर है वो है f1.8 का, और जो सेकेंडरी लेंस है वो 5 MP का है, वो सिर्फ डेप्थ सेंसिंग के लिए, मतलब उससे भी आप कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। तो इन दी एंड इन टर्म्स ऑफ मेन कैमरा रेडमी नोट 7 प्रो इज अ क्लियरली विनर, नो कॉम्पिटिशन हियर। लेकिन ओप्पो K1 कैमरा भी बेहतर है। अब मैं बात करूं अगर दोनों की सेल्फी की, तो रेडमी नोट 7 प्रो की जो सेल्फी है वो 13 MP की सेल्फी है। तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सेल्फी मिलती है, आप अगर बहुत ज्यादा सेल्फी कॉन्शियस हो, आप चाहते हो बहुत ज्यादा डिटेल सेल्फी है, तो आप ओप्पो K1 लो, क्योंकि वहां पर आपको 25 MP की बहुत ही शानदार और जानदार सेल्फी मिलती है, और ओप्पो वैसे ही अपनी सेल्फी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। तो अगर आप सेल्फी कॉन्शियस हो तो ओप्पो K1 की तरफ जाओ।
अब मैं बात करूं दोनों की बैटरी की, तो Redmi Note 7 Pro में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि काफी है आपके एक दिन निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है, यूएसबी टाइप सी का पोर्ट भी मिलता है। और Oppo K1 में आपको 3700 mAh की बैटरी मिलती है, यहाँ पर भी आप एक दिन आराम से निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी फास्ट चार्जिंग नहीं है और माइक्रो यूएसबी का पोर्ट है। तो इन टर्म्स ऑफ बैटरी Redmi Note 7 Pro अगेन इज अ क्लियरली विनर। यहाँ पर आपको यूएसबी टाइप सी भी मिलती है, फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। अब मैं कुछ ऐसी चीजों की बात करूंगा जो कि ओप्पो के वन में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जैसे कि यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है आपको ओप्पो के वन में, जबकि रेडमी नोट 7 प्रो में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता, पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर है। अब ये एक ऐसी चीज है कि अगर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए तो सबसे सस्ता फोन है ओप्पो के वन जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। अब मैं बात करूं अगर दोनों के सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर आपको रेडमी नोट 7 प्रो में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड पाया मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है, और ओप्पो के वन में आपको एंड्रॉयड ओरियो मिलता है और एंड्रॉयड पाई की अपडेट आ जाएगी। तो ये था कंप्लीट कंपैरिजन। अब कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, तो अगर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज करना है और अगर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करना है और अच्छी सेल्फी चाहिए तो ओप्पो के वन आप ले सकते हैं क्योंकि इस प्राइसिंग में बहुत अच्छा फोन है। लेकिन अगर मैं बात करूं Redmi Note 7 Pro की, तो वहां पर आपको बहुत ही औसम परफॉर्मेंस मिलती है और मेन कैमरा तो गजब कमाल का मिलता है और फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, यूएसबी टाइप सी का पोर्ट भी मिलता है। तो आपके ऊपर है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किसको प्रेयर करते हैं, अगर आप सेल्फी कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहते हो तो ओप्पो के वन लें, वरना Redmi Note 7 Pro बेस्ट है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।